हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आंगनबाड़ी, और ये रहा अविनाश। तो दोस्तों, फिर से मैं इस आंगनबाड़ी का जो भी मैंने कल स्केच कर रखा था उसे पेंट करूँगा अभी, और कुछ थोड़ा मोड़ा मैंने अंदर भी स्केच कर दिया है जो कि आ आ ई ई ऊ ऊ होता है वो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और वैसे दोस्तों, आज भी मैं बहुत लेट से आया हूँ, तो देखते हैं आज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा दोस्तों, आज मेरे साथ सुमित भी आया है। तो चलिए, तो फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ का भी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट कर दिया है। कलर हो गया है कंप्लीट, अब आउटलाइन खाली बचा हुआ है, ये भी हो गया है कंप्लीट, बस वो बचा हुआ है दोस्तों। तो वो मैं आप लोगों को करते हुए दिखाऊंगा, और मैंने कैसा इस पेंट किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब उसे पेंट करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए, अविनाश जो है कलर भर रहा है, देखिए ऊपर जो भी बचा हुआ है। और एक भाई है जो कि घूमने के लिए आए थे और अभी लिख रहे हैं, जिनको आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, दयानंद नाम है इनका। तो आप अगर चैनल की फर्स्ट वीडियो देखोगे तो यही मिलेंगे आपको। ये काम हो चुका है यहाँ का, अब हम लोग चलिए बाहर चलते हैं। तो बाहर का ये वाला जो पेंटिंग है उसे अभी मैं कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग को भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इसमें स्किन का कलर दे रहा हूं, जो कि फेस का कलर है। इसको मैंने दोस्तों रेड, येलो और वाइट मिक्स करके बनाया है। और दोस्तों, इसके अब मैं किनारे किनारे एक कलर दूंगा जो कि गोल्डन ब्राउन आता है वो, या फिर आप खुद से बना सकते हो रेड, येलो और ब्लैक हल्का सा मिक्स करके। तो ऐसे ही दोस्तों, हम लोग के पास तो गोल्डन ब्राउन था इसलिए मैं उसी को दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों पूरा मैं पहले स्किन का कलर देता हूँ, और उसके शेडो के लिए दोस्तों मैं गोल्डन ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों पूरा स्किन को मैं कलर कर देता हूँ। और इस तरह की पेंटिंग दोस्तों आप अगर जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये सब पेंटिंग जो दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर सरकारी काम वगैरह कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारा काम करना है तो आपको जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी जो मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज कलर, वो दोस्तों एपेक्स है जो कि वाटर कलर आता है एशियन ब्रांड का। तो और वो रेड कलर से जो मैं शेडो मिक्स कर रहा हूँ इसमें, वो भी दोस्तों एपेक्स ही है। तो दोस्तों, इस तरह की पेंटिंग अगर जल्दी जल्दी बनाना होता है तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, ताकि मतलब जल्दी जल्दी सूखे भी और जल्दी जल्दी मिक्स भी हो जाए, और इससे दोस्तों काफ़ी आसानी होती है। और दोस्तों, अभी मैं कुछ प्लेट में कुछ फल सब्जियां कुछ मैं बना दे रहा हूँ, ताकि पोषक आहार लगे। और प्लेट का जो कलर मैंने दिया है वो वाइट और ग्रे कलर का मैंने यूज किया है। और अभी दोस्तों बालों पर मैं कलर कर रहा हूँ वही गोल्डन ब्राउन में, थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके उसे हल्का डार्क करके मैं दे रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, कम्प्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इस टाइप से लग रहा है, बस इसमें दोस्तों आउटलाइन बचा हुआ है बस, और इसमें भी दोस्तों आउटलाइन बचा हुआ है, और इधर वाले में भी। तो ये जब कंप्लीट होगा तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर, और दोस्तों वहाँ का काम आपने देख ही लिया है और मैंने कुछ आपको बता भी दिया है। तो जैसा मैंने वॉल पेंटिंग के बारे में बताया, वो दोस्तों सरकारी काम जैसे आंगनबाड़ी हुआ, जहाँ की जल्दी आपको पेंटिंग वगैरह बनाना है तो उसी टाइप से आप बना सकते हो, वह जैसा मैंने आप लोगों को बताया। इस तरह की पेंटिंग दोस्तों आपको अच्छा भी लगेगा बनाने में और जल्दी भी बनेगा। तो फिलहाल दोस्तों, मुझे तो करना है उस अमिताभ बच्चन वाले पेंटिंग की स्केच को कंप्लीट। वैसे स्केच तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं पहले उसे स्केच करूंगा। और हाँ दोस्तों, आज मुझे यहाँ पे जो शादी हो रही थी उसका पार्टी में जाना है। आज वो लोग दुल्हन लेके आ गए हैं, आज उनके यहाँ पार्टी है, शादी की पार्टी, तो वहां जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग आज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। वैसे स्केच दोस्तों मैं कंप्लीट कर ही दूंगा, बट जो पेंटिंग है वो स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं वो तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि दोस्तों वहाँ कितना लेट होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों उस दिन भी मैं नहीं गया और शादी में भी मैं नहीं गया। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा लेट ही होगा, तो जो भी होगा वैसे स्केच मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं सेटअप वगैरह कर लेता हूँ तैयार, क्योंकि अभी पार्टी में थोड़ा सा लेट है। तो मैं जो भी होगा, मैं स्केच वगैरह जितना होगा तो मैं करूंगा, उसके बाद दोस्तों पार्टी वगैरह में जाएंगे, उसके बाद वहां से आके फिर दोबारा मैं करूंगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों मैं पार्टी से वापस लौट गया और पार्टी में डांस वगैरह भी हो रहा था, बट मैंने अपना काम को ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने सोचा कि घर जाते हैं और अपना जो ड्राइंग है उसको कंप्लीट करते हैं। वैसे अभी कलर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आप लोगों को स्केच पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा। तो चलिए अभी स्केच को ही स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने सेटअप वगैरह सारा कुछ रेडी कर रखा है, बस मुझे स्केच करना है। तो चलिए मैं अब स्केच करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो इसमें आप लोगों को समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग सिंपली ग्रिड बना के अपना स्केच कर सकते हो। कल जो जितना आपने आधा देखा था उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और कल दोस्तों इसमें मैं कलर वगैरह करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये हो गया है कंप्लीट। और इस पर मैं जब कलर करूँगा दोस्तों, आप लोगों को समझाते जाऊँगा मैं इसमें कौन कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। और ये दोस्तों मैं एक्रिलिक कलर का यूज़ करूँगा इसमें। तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखना। और दोस्तों आजकल वीडियो बनाने मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, और क्योंकि दोस्तों आप लोग जब भी कमेंट करते हो तो मुझे मज़ा ही आता है और आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना दोस्तों, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो वहाँ पे आप लोग को बताना है तो ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में दोस्तों मुझे लगता है अपने आप में कि मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को सिखा पाऊँगा और समझा पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है और मेरी आँखें जवाब दे रही है क्योंकि नींद भी आ रही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। गाइज, इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।